बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अजय देवगन ने शिहाब को क्या कह दिया। पैंदल हद से लेकर कई ऐसी बात जिसे देश के हर नागरिक को, हर मुसलमान को जानना बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों, शिहाब भाई की लाइव अपडेट की बात की जाए तो शिहाब भाई अभी पंजाब में है और पाकिस्तान से वीज़ा मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। जब शिहाब भाई को वीज़ा मिल जाएगा तो वो अपना सफ़र आगे शुरू करेंगे। आज बॉलीवुड के फेमस एक्टर अजय देवगन ने शिहाब भाई से लेकर एक बेहद ही बड़ा बयान दिया है, जिसके बारे में आप सभी को इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, अजय देवगन के बारे में तो आप सभी लोग ज़रूर जानते होंगे कि अजय देवगन एक बेहद ही बड़े बॉलीवुड के एक्टर माने जाते हैं। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि अजय देवगन की जो माँ थी वो हिंदू धर्म को मानती थी, लेकिन किसी वजह से उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया। एक इंटरव्यू में अजय देवगन ने यह तक कह दिया था कि वो इस्लाम धर्म को कबूल कर लेंगे, क्योंकि वो आज भी अपने आप को कहीं ना कहीं मुसलमान मानते हैं। शिहाब भाई पर अजय देवगन ने एक ट्वीट किया, जिसके अजय देवगन का यह कहना था कि शिहाब की वजह से सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि पूरे भारत देश का नाम रोशन हो रहा है। शिहाब से लेकर बेहद ही खुश हूँ और जो शिहाब पर गलत बयानबाजी कर रहे वे लोग ऐसा ना करें, बल्कि वो शिहाब के लिए दुआ कर दीजिए। हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी बात कह दी अजय देवगन ने शिहाब भाई से लेकर, हर कोई शिहाब भाई का स्वागत कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। हर मुसलमान का ये सपना होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में एक बार मक्का और मदीना जाए। दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि शिहाब भाई ने पैंदल हज का फैसला लेकर सही काम किया है या गलत, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। दोस्तों, जाते जाते हर इंसान से ये बात कहूँगा कि अपने अल्लाह को खुश करने के लिए जियो, लोगों को नहीं। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते किसी अगले वीडियो में।